चिराग्स मैजिकल मेकओवर और तनाज भी जुड़ गई अब साथ में। तनाज क्या क्या चार चांद लगाने वाले? हम चार चांद लगाने वाले हैं, हम मैजिक फैलने वाले हैं पूरे अंधेरी में, बिकॉज यही हब है ना, लाइक ऑल टीवी स्टार्स, ऑल मूवी पीपल, एवरीवन इन द इंडस्ट्री, होल इंडस्ट्री इज़ हियर। सो हमने सोचा कि कौन सा बेटर एरिया होगा, बेटर देन अंधेरी। सो और जब यू नो चिराग ने मेंशन किया कि मुझे भी एक यू नो फ्रेंचाइज आप लो, वहाँ पे आप ब्रांच खोल सकते हो, सो आई एम लाइक वाओ, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू ओपन इट ओवर हियर। सो एंड आई लव मेकअप, all women love makeup, all actors love makeup, and I definitely love the idea of having an academy jahan pe log aayenge, makeup seekhenge, apne pairon pe khade rahenge, ek you know they will have a whole chance of earning their own livelihood, and her daughter is a big makeup chirag ka jo मेकअप का मैजिक है वो तो हम देख ही रहे कई सालों से। थैंक यू। हम लोग ने ये खास जुड़ के सोचा क्योंकि ये पैंडमिक में जितनी तकलीफ़ें लोगों को हुई है ट्रैवल करने को एक एरिया से दूसरे एरिया में, वो सोच के हम लोग ने सोचा कि हम 14 सेंटर्स खोल रहे हैं और ये 14 सेंटर्स में से ये पहला वाला है और वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन दैट इज़ अंधेरी ऑफकोर्स, नो डाउट। और आज इनका ओपनिंग हो चुका है और मैं तनाज के साथ जुड़ा क्योंकि इनका एक पैशन है इसके लिए, नॉट एट ऑल फ्रॉम एनीथिंग एल्स बट, और उनकी बेटी जिस तरह मेकअप करती है, शी इज़ द यंगेस्ट मेकअप मेवन दैट यू कैन सी, शी इज़ फैंटास्टिक विद मेकअप, शी नोज आई शैडो फाउंडेशन, कंसीलर्स, एवरीथिंग। तो वो सोच के वो जब जाना मैंने तो सोच समझ के हम लोग ने कदम उठाया साथ में ये वेंचर चालू करने के लिए। तनाज वैसे तो हम उसे रील्स में देखते हैं, अब यहाँ एकेडमी में देख, या वो सिर्फ 9 साल की है लेकिन उससे मेकअप बहुत पसंद है, उसे तरह तरह के मेकअप आर्टिस्ट वो जानती है जो मुझे भी नहीं पता, और वो मुझे हमेशा गाइड भी करती है कि आज रेनबो करो मम्मा, इट लुक वेरी नाइस, इस ड्रेस के साथ आप वो मत करना, अच्छा डोंट पुट लोअर लाइनर, अच्छा मस्कारा ये करना, अच्छा इसमें लैशेज मत पहना, आप बहुत ओवर लग रहे हो, आप वॉनर भी लग रहे हो, एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी आप सिर्फ 9 साल की हो, बट नहीं उसकी चाह है, उसकी पैशन है। सो आई थिंक व्हेन अदर पीपल सी के एक यू नो सेलिब्रिटी ने लाइक व्हाट एवर अ नोन पर्सन हैज़ एनकरेज्ड हर डॉटर, मतलब मैंने अपने बेटी को एनकरेज किया है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, सो बहुत सारी माएँ भी प्रभावित होंगी और शायद वो लोग भी भेजेंगे, यू नो, सो आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड दैट फॉलो योर पैशन, अगर ये आपका पैशन है तो आओ सीखो, क्योंकि आपको कभी नहीं लगेगा कि आप काम पे जा रहे हो, जैसे कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, उनको मेकअप लगाना बहुत पसंद है, सो हमें कभी लगता नहीं है कि हम लोग काम पे जा रहे हैं, यू नो। और जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस इंडस्ट्री का, अगर कोई उसे ऑब्जर्व करे या स्टेटिस्टिक्स देखे तो यू विल बी शॉक्ड टू रियलाइज दैट देयर इज़ अ 78% इंक्रीज इन मेकअप एवरी सिंगल ईयर। और एक ब्यूटी पार्लर टाइप ऑफ मेकअप को लेके लोग सालों पहले बात करते थे और अब ये ऐसा दज्जा बन चुका है जहां लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिलीज रन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट जो सर्टिफाई होता है वो कम से कम एक टाइम मेकअप और बाल करने का 15,000, 18,000, 20,000 लेते हैं, हालांकि जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है वो एक दिन में 75,000, 80,000, 90,000 ले रहे मेकअप एंड हेयर का। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वे टू एम्पावर योरसेल्फ इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू लाइक मेकअप, दिस इज़ द प्लेस टू बी। सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं जो कि दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, यू नो लाइक फैशन डिज़ाइनर्स एंड स्टफ लाइक दैट, और वो कह रहे हैं कि यू नो अभी बहुत मुश्किल होता है इतना सारा काम करना, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी मेकअप और हेयर सीखें और आराम से यू नो आर्टिस्ट को ड्रेसअप करें, एंड वी वुड लव टू डू दैट, एंड लाइक ऑफकोर्स प्लीज़ आओ, प्लीज़ सीखो, और हम ये स्टूडियो पे भी यू नो वी आर गोना मेक पीपल कम एंड लर्न एंड ड्रेसअप एंड गो। तो एकेडमी तो ओपन हो गई है और लोग भी ज़रूर आने ही वाले और अभी से आना शुरू ही हो गए हैं, तो कोई टिप्स, अगर कोई 3 टिप्स मेकअप टिप्स देना हो तनाज को तो क्या देंगे? 3 मेकअप टिप्स दैट आई वुड गिव इज़ जो मेकअप आपको सूट होता है वो ही आप करिए, और ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट डोंट फर्गेट टू केटर टू द क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट है उसे क्या कंफर्टेबल लगता है, मतलब आप बोलेंगे नहीं नहीं ये ऑरेंज तो बहुत अच्छा है आपको ऑरेंज, नहीं क्लाइंट कस्टमाइजेशन, क्लाइंट को ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहाँ पे उसे खटक रही है ये शेड, सो अडैप्ट, बी प्लीजिंग, मतलब एंड एन्जॉय योर वर्क, जब आप काम कर रहे हो प्लीज़ स्माइल, एन्जॉय, यू नो टॉक, और यू नो अगर आप वो बात करना नहीं चाहते तो ऑब्वियसली डोंट टॉक, बट यू नो बी नाइस, बी हैप्पी एंड एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि वो निखर के आता है, जैसे कि आप खाना बनाते हो और आप प्यार से बनाओगे तो सब लोग उंगलियां चाट के खा जाएंगे, ठीक उसी तरह अगर आप मेकअप प्यार से करोगे, यू नो दिल से करोगे, दे विल एन्जॉय योर मेकअप। 3 टिप्स फ्रॉम यू।
आई जस्ट फील दैट एक मेकअप आर्टिस्ट को ये सोचना है जब वो काम करते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के साथ, एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो इंसान एक अपना हुनर सही दिखाना चाहता है तो उनको ये सोचना बंद करना है कि वो काम है। जो मेकअप आर्टिस्ट ये सोच के जाता है कि यार मुझे आज मेकअप करना है, मुझे काम पे जाना है, आप खुद देखेंगे, महसूस करेंगे, कितने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस समझेंगे मेरी बातों को, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ बॉलीवुड में, तो वो लोग के ध्यान में ये पहले तुरंत वाइब्रेशन आ जाता है कि इस इंसान को इतना पसंद नहीं आ रहा है पर कर रहा है। और ये एक ऐसा करियर है जहां आप आपके पैशन को, आपके हॉबी को एक करियर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वी हैव सेट दिस अप स्पेशली एज अ गोल फॉर पीपल टू एनकरेज वुमेन टू मेक देम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और इंटरनेशनल मार्केट्स को टक्कर देने के लिए। थैंक यू।